मूवी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि एक स्पेसशिप तबाह होती है और वो एलियन जिसका नाम जॉर्डन है अपने पावर स्टोन जिसे जियो क्रिस्टल कहते हैं इन क्रिस्टल को ऐसे लोगों की तलाश में भेजता है जो इस पावर के काबिल हो क्योंकि वो मरने वाला होता है। इस वक्त इस मूवी के विलेन रीटा इन क्रिस्टल को हासिल करना चाहती है। अचानक इस सीन में धमाका होता है और ऐसा लगता है कि सब मर गए हैं और वह क्रिस्टल भी वहीं दब जाते हैं। अब सीन वर्तमान में आ जाता है जहां एक लड़का अपने दूसरे क्लासमेट को तंग कर रहा होता है और वहां मेन कैरेक्टर जैसन आ जाता है और उसे बचाता है जिस स्टूडेंट को तंग किया जा रहा है होता है उसका नाम बिली होता है। अब जैसन और बिली बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं और बहुत सा वक्त साथ में गुजारते हैं। एक रात वे ये कैंपिंग करने के लिए एक ओल्ड माइनिंग फील्ड में जाते हैं जहाँ इन्हें एक और लड़का दो लड़कियां भी मिलती हैं। इन सबको रात के अंधेरे में एक रोशनी दिखाई देती है जिससे इन सबकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। ये जब इनको देखते हैं कि यहाँ वही जियो क्रिस्टल होते हैं जो मूवी की शुरुआत में जॉर्डन एलियन के पास होते हैं लेकिन इन्हें कुछ भी मालूम नहीं है अभी तक ये क्या चीज़ है। ये अभी देख ही रहे होते हैं कि माइनिंग फील्ड की सिक्योरिटी आ जाती है और ये सब क्रिस्टल लेकर अपने घरों की तरफ भाग कर बच जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ फिशर में मछलियाँ पकड़ रहे होते हैं। मछलियों के साथ में हमें एक औरत की बॉडी दिखाई जाती है और ये बॉडी रिटा की होती है जो मूवी की शुरुआत में जॉर्डन से क्रिस्टल हासिल करना चाह रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अगले दिन ये जब ये सब सोकर उठते हैं तो इन सब के अंदर पावर आ जाती है जो इनकी ताकत और स्पीड बढ़ा देती है। उसके अलावा ये सब लंबी लंबी छलांगें भी लगा सकते हैं और ये सब लड़के और लड़कियां ये देखकर प्रसन्न हो जाते हैं और फैसला करते हैं कि दोबारा उस जगह पर जाया जाए। इस सीन में फिशरमैन जब पुलिस को कंप्लेन करते हैं तो उनको किसी की डेड बॉडी मिली है तो पुलिसमैन जब देखता है तो रीटा की बॉडी अचानक से जिंदा हो जाती है और पुलिसमैन को मारकर शहर की तरफ रवाना हो जाती है। अब ये तीनों लड़के और दोनों लड़कियां अपनी पावर्स को चेक करते हैं और थोड़ी सी बेसिक ट्रेनिंग करते हैं। ये सब इसके बाद पानी के नीचे छुपी हुई एक स्पेसशिप में दाखिल होते हैं जिसे देख सब हैरान रहते हैं और इन्हें अंदाज़ा होता है जो क्रिस्टल हमें मिले थे वो इसी स्पेसशिप का हिस्सा हो सकते हैं। इस सीन में जो जॉर्डन एक कंप्यूटराइज प्रोग्राम की शेप में इन सबके सामने आता है वो बताता है कि अगर ये क्रिस्टल तुम सबको मिले हैं तो तुम सब पावर रेंजर्स हो जैसे कि मैं हुआ करता था। अब तुम इन क्रिस्टल और प्लैनेट अर्थ की हिफाजत करोगे। दूसरी तरफ रीटा अपने मैजिक गोल्ड की स्टिक पूरा करने के लिए गोल्ड की तलाश में निकली हुई होती है क्योंकि गोल्ड स्टिक में मैजिक होता है जो इसकी मदद करती है अपनी आर्मी को जगाने के लिए। इस सीन में जैसन और बाकी पावर रेंजर्स फाइट प्रैक्टिस कर रहे होते ताकि रीटा जब अपने पावर्स मुकम्मल कर रहे के आए तो उसका मुकाबला कर सके। अब हम देखते हैं कि रीटा एक ज्वेलरी शॉप में जाती है जो वहां से गोल्ड लेती है और उसकी स्टिक बनाने के काम में आता है जो और उसके अलावा उसके बाद वहां पर जब पुलिस आती है तो तबाही मचा के सबको मार देती है। ये सब मॉर्फिंग के लिए उसी स्पेसशिप में खड़े होते हैं। मॉर्फिंग एक ऐसा प्रोसेस है जब ये सब अपनी सोच को इकट्ठी करते हैं किसी एक मकसद के लिए तो इन सबको एक यूनिफॉर्म मिल जाती है जो रेड ब्लू येलो जैसे कलर्स में होता है। इस यूनिफॉर्म से इनकी ताकत में बहुत इजाफा हो जाता है और ये बोट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जो हम आगे जाकर देखेंगे। इस सीन में रीटा अपनी आर्मी को जगा देती है और एक गोल्ड का बहुत बड़ा रोबोट बनाती है। इतनी ही देर में पावर रेंजर्स वहाँ पहुँच जाते हैं और इन सब से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं जो मूवी में बहुत अच्छी तरह से दिखाया जाता है। अगले सीन में गोल्ड का बना हुआ रोबोट शहर की तरफ चला जाता है और ये सभी पावर रेंजर्स अपने बोट्स में बैठकर शहर की तरफ रवाना हो जाते हैं ताकि उनको नुकसान करने से रोका जा सके। यहाँ पर सभी पावर रेंजर्स अपने बोट्स को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा रोबोट बना देते हैं जिसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। ये सब मिलकर बहुत अच्छी तरह फाइट करते हैं और रीटा और उसके गोल्ड रोबोट को हरा देते हैं और उसकी तमाम आर्मी को ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पर शहर का नुकसान तो होता है लेकिन बड़े नुकसान होने से बच जाता है। इसके बाद ये सभी लोग खुश होते हैं और आगे भी प्लैनेट अर्थ की सुरक्षा करने का इरादा रखते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह की वीडियो हम डेली अपलोड करते रहते हैं।